सो ये ब्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट है और घर पर रामायण पाठ हो रहा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। वैसे हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, तो यस जब हम गए तो पूजा शुरू हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर सारे अपना अपना काम कर रहे थे, यू नो दोपहर में खाना बनना था और कल्पना भी आ चुकी थी, सो हम वगैरह सारे बच्चे आ गए थे, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। एकदम शादी वाला माहौल होने लग गया था, ऐसे लग रहा था हमारे घर में कुछ हो, मतलब फंक्शन है, फील हो रहा था, वाइब आ रही थी। और अंदर जो है पाठ चल रहा था, 24 घंटे अखंड पाठ चलता है। सो पंडित जी यू नो टर्न बाय टर्न, 4 पंडित थे आई थिंक, वो सारे अपना अपना पाठ कर रहे थे। और यस एंड और यहाँ पे आदित्य जो है सोते हुए, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे। आई नो मुझे ऐसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए पर मैंने बना ली। और यहाँ पे मेरी भाभी और कल्पना पता नहीं क्या ही बातें कर रहे थे, पक्का किसी की चुगली कर रहे थे। और मुझे कल्पना कुछ बोल रही थी और मैं पता नहीं उसको ऐसे लात दिखा रही थी कि एक पड़ेगा तुझे ये वो। सो हम भाई बहनों में ऐसे चलता रहता है। और हाँ बाहर खाना बन रहा था काफ़ी सारे, मतलब हमारे साथ के लिए, क्योंकि मंदिर है तो सब सेवा करते ही हैं ऑब्वियसली, तो बहुत सारे लोग आए थे और सारे मिलके काम करवा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पूरियाँ बन रही है, पूरी सब्ज़ी वगैरह बनी थी, सो दोपहर के खाने में वो था। और मेरे पापा शायद कुछ बोल रहे होंगे कि ये वो, और मेरी मम्मी वगैरह सारे, मतलब हम सब बिज़ी थे अपने अपने काम में और मैं तो बस वीडियो बनाने में थोड़ी बिज़ी थी और इधर उधर वो कर रही थी। मैं और आदित्य काफ़ी, मतलब अब हमारे फंक्शन में हम दोनों बस चिल करते रहते हैं। सो हाँ इसके बाद खाना वाना खाया हम सब ने और काफ़ी सारे लोग हो गए थे खाने वाले भी, तो कंटिन्यू खाना बन रहा था और खाया पिया जा रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना भाई साहब, बहुत गर्मी, बहुत ही ज़्यादा। मैं और आदित्य यहाँ पे बाहर बैठ के बस ऐसे ही थोड़ा सा हवा खा रहे थे कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या ही करें अंदर। ऊपर से वो है ना, तो छत बहुत शाम की भी तैयारी करनी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। एंड यहाँ पे आदित्य लेटे हुए हैं आराम से। हाय गाइस, और ये दामाद जी यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया आए थे, तो हम सब गोलगप्पे खाने लगे थे। आदित्य जो है प्याज वगैरह नहीं खाते, तो फिर वो मतलब उनका अलग था, सो उन्होंने वैसे खा लिया और बाकी सब अलग खा रहे थे। तो हाँ, और यहाँ पे ये तालाब बन गया एक्चुअली में, ये घर मतलब वो था, ज़मीन थी खाली। और फिर मैं और आदित्य और तृप्ति हम लोग कहीं बाहर गए थे कुछ काम से, बट वो काम तो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद हमने आते हुए कुछ खा पी लिया, फिर शाम हो चुकी थी। सो हाँ ताकि सो शाम हो चुकी थी और आरती का भी टाइम थोड़ी देर में होने ही वाला था। सो यहाँ पे हम सब लोग अंदर जा रहे थे, मतलब मैं अंदर जा रही थी बेसिकली, मैं और आ रहे थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे अंकल आ चुके थे हलवाई, और वो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, और मेरी भाभी और कल्पना बैठ के बस बातें कर रहे थे, चुगली कर रहे थे बेसिकली, गॉसिप्स। एंड यहाँ पर खाना वाना बन रहा था, इसके बाद जो है थोड़ी देर में वो स्टार्ट होनी थी आरती। और मतलब ये लोग कितने ट्रेंड होते हैं ना, ट्रेंड होते हैं कि एक ही उसमें जो है दो वो पाइप लगा के दो चूल्हे एक साथ जला लेते हैं,
और यहाँ पे दोनों हवा खाते हुए, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे जिन्हें मतलब पहली बार मिल रही थी मैं, आसपास के लोग। बट हाँ, अभी घर जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बनता जाएगा तो यस। और काफ़ी रौनक लगी हुई थी, लाइक काफ़ी सही था, मतलब एकदम अच्छा लग रहा था, वाइब अच्छी लग रही थी वहाँ। भाई साहब आ गए, देखो इधर देखो।